सो गाइस, आज जो है मैं लाहौर के बहुत ही फेमस जिना गार्डन में आई हुई, और मैं आज आप लोगों को इस गार्डन का जो है काफ़ी फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। बहुत ही फेमस पापड़ी है। और जी मुझे ये बताएं, आप कितने टाइम से लगा रहे हैं ये माश की दाल का पापड़? दाल महंगी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हामिया मोइन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो है मैं लाहौर के बहुत ही फेमस जिना गार्डन में आई हुई, और मैं आज आप लोगों को इस गार्डन का जो है काफ़ी फेमस और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर गुलशन फातिमा है, ठीक है, जो यहाँ पर फातिमा जो थी ना, हमारी कायदे आज़म की जो सिस्टर थी, ये उनका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि गुलशन फातिमा है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इधर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, इस जगह पर जो है ना, यहाँ पर हाई फाई जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं। और जो है यहाँ पे बहुत ही पुरसकून है, जो अब तक मैंने फ़ील किया ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को एक एक जगह का जो है विज़िट कराती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया गुलशन फातिमा, जो यहाँ पर जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू की है। और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं आगे, आगे कुछ रोड, इतनी नीट एंड क्लीन सी यहाँ पर रोड है। और इसके बाद अभी नेक्स्ट मैं कहाँ जाती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। रोड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, वॉक का जो ट्रैक है ना वो बहुत नीट है, आप बहुत ही सुकून से जो है वॉक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट होगा वो आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो गाइस, क्या कहते हैं, एडवेंचर हो जाए तो अगर यस, तो चले आ जाए मेरे साथ, यहाँ पर चल के हम लोग करते हैं एडवेंचर। तो ये जो है जगह थोड़ी सी ऊपर है, हम उधर जाएंगे। और क्योंकि मुझे ना शूज़ पहन के आने चाहिए थे, लेकिन मैंने शूज़ तो नहीं पहने, बट किधर जाना चाहिए, इधर या इधर? इधर ठीक हो गया। अब हम जाएंगे इस साइड पर, घास है चारों तरफ और ये थोड़ी सी डेंजरस भी लग रही है मुझे, क्योंकि आजकल वेदर ऐसे है ना, तो यहाँ पर वैसे हमें जाना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, जाए ना जाए? आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक तो वेदर ऐसे, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्नेक वगैरह हो सकता है। इसलिए ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा घना सा जो है ना यहाँ पे जंगल है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्लेस है ये। हिस्टोरिकल क्या, ये जो कहते हैं लाहौर का फेमस गार्डन है, जिना गार्डन। तो गाइस, आ जाए मेरे साथ ऊपर, ऊपर चलते हैं। और गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, और ये इसके ऊपर भी है, हम ऊपर भी जा सकते हैं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझसे जाया नहीं जा रहा, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जाऊँ, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यही सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्नेक वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसके अलावा मुझे यहाँ पर बहुत सुकून फील हो रहा है। जी आ गए आप लोग वापस, देख के सारा कि मैंने आप लोगों को सारा गार्डन दिखा दिया है जी। यहाँ पे चारों तरफ जो है ना वो है जंगल, जंगल सा है। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर क्या है, ऊपर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, तो ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। सो आई थिंक इसका रास्ता ना उस साइड से है। यहाँ पर जो है मोर है, मोर के अलावा जो है यहाँ पर ना वो है, क्या कहते हैं, कबूतर वगैरह, मोर है, परिंदे वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर उनके लिए फूड भी अवेलेबल है यहाँ पर। सो आप लोग देख सकते हैं मोर कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके पर इतने प्यारे हैं ना, इतना कलरफुल है ये,
बहुत खूबसूरत मोर है और एक मोर वो भी है, एक वो भी है, काफ़ी ज़्यादा मोर है यहाँ पे। और उसके अलावा वहाँ पर उस टाइप के डक्स भी हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, डक्स हैं यहाँ पर, मोर है और जितने भी परिंदे वगैरह होते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम जो है जितने भी परिंदे हैं इनकी फीड का टाइम है, और ये जो भाई हैं ये इनकी ना फीड लेकर अंदर जा रहे हैं, और ये देखें इस टाइम इनको ना फीड दे रहे हैं। सो हम यहाँ जा नहीं सकते, आई थिंक यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, बट ये भाई जो है इन लोगों को इस टाइम फीड दे रहे हैं। इवनिंग टाइम पे बेसिकली इनको फीड दिया जाता है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट डे वो इवनिंग तक चलता होगा। और पानी वगैरह का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? ठीक है, पानी जो है वो कह रहे हैं वो उस साइड पर जो है ना, अंदर जाकर जो है ना उस साइड पर पानी है। और यहाँ पे कितने परिंदे हैं? बहुत ज्यादा हैं, मतलब आप लोगों ने काउंट नहीं किए हुए है ना? काउंट भी हुए, कुछ बच्चे भी इसमें निकल रहे हैं या फिर वो पता नहीं चलता बीच में। अच्छा अच्छा, सो गाइज यहाँ पर जो इन लोगों ने काउंट भी किया है, देखें खाना खा रहे हैं इस टाइम सारे परिंदे, और ये कितना सुकून दे काम है, मतलब इन भाई को कितना सुकून मिलता होगा और कितना जो है स्वाद मिलता होगा इस चीज़ का, कि ये रोज़ जो है यहाँ पर ये नेकी का काम करते हैं। तो यही मैं आप सबको भी कहती हूँ, आप सब भी ये नेकी का काम किया करें। और इस टाइम जो है ना वो मोर देखें पर खोल के इस टाइम खड़ा हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये मोर ने ना इस टाइम पर खोला हुआ है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, कैमरे में वो चीज़ नहीं लग रही जो रियल में देखने में मज़ा आ रहा है। सो गाइज, नीचे जो है उस हिल से मैं उतर आई थी, और अभी जो है यहाँ पर मैं लेने आई हूँ, ये यहाँ की बहुत ही फेमस पापड़ी है। और जी मुझे ये बताएं, आप कितने टाइम से लगा रहे हैं ये? ये माश की दाल का पापड़ी, दाल महंगी है। ठीक है, तो ये बेसिकली ना 50 रुपीज़ का एक है, यानी 50 रुपए का ये एक देते हैं, क्योंकि दाल महंगी हो चुकी है, इस वजह से जो है ये 50 रुपए का एक पापड़ है। बट ये बहुत पुराना है। आप कितने टाइम से बाबा जी यहाँ पर बैठ रहे हैं? सो गाइज, बाबा जी को यहाँ पर 40 साल हो गए हैं पापड़ बेचते हुए। तो यहाँ से तो सबसे पहले आप पाकिस्तान का अंदाज़ा लगा लें कि कोई बंदा तरक्की तो कर नहीं रहे, जो पापड़ बेच रहा है वो पापड़ ही बेच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई तरक्की नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं पापड़ लेने लगी हूँ, और ये मूँग की दाल के पापड़ हैं, तो हम 2 पापड़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो इसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा ना चाट मसाला टाइप ना कोई मसाला ऐड की है, और ये देखने में ही मुझे लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो अभी मैं खा के जो है ना, अभी खा के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है, बट मुझे देखने में लग रहा है कि बड़ा मज़ेदार होने वाला है। सो चलें, इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है पापड़, और पापड़ लेने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकल के फिर अब मैं आप लोगों को एक और जगह दिखाऊँगी। सो जी, ये है कायदे आज़म लाइब्रेरी, एम राइट? यस, ये है कायदे आज़म लाइब्रेरी, क्योंकि मैं हिस्ट्री जो है पढ़ पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और अभी मैं आपको इसका जो है ना फ्रंट दिखाती हूँ। ये जो लाइब्रेरी है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और यहाँ पर जो है यार मेंबरशिप है, मेंबरशिप वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो मेरे पास क्योंकि मेंबरशिप नहीं है तो मैं तो अंदर जा नहीं सकती हूँ। सो जिनके पास मेंबरशिप है तो वो इस लाइब्रेरी से जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी बुक्स, जिसे आप कहते हैं ना कि बहुत ही ओल्ड किस्म का डाटा यहाँ पर यानी अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत पुरानी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर चलती है सिर्फ मेंबरशिप, और सो मैं तो जा नहीं सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को बस यही दिखा सकती हूँ। सो ये एक बोर्ड है यहाँ पर जो है ना, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ, सो आप लोग देख सकते हैं। और ऑनेस्टली ऑनेस्ट रिव्यू है कि मुझे इस गार्डन में आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। एक तो ये काफ़ी पुरसकून है, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा जो है अब हम चलते हैं साइड पे। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है कि यहाँ पर ना जब बाहर में आई थिंक लगती है वो एग्ज़िबिशन लगती है फ्लावर्स की, तो यहाँ पर बहुत यानी लाहौर के सबसे बेस्ट जो फ्लावर्स होते हैं ना, और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। सो मैं तब तो नहीं आई, और ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा उन फ्लावर्स वगैरह की एग्ज़िबिशन को कवर करने,
तो लेकिन अभी जो है मुझे करना था ये गार्डन क्लियर कवर करना था, तो मैं वो कवर करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर आई थी ताकि आप लोगों को पता चले। बहुत से लोगों को ये गार्डन जो है भूल चुका हुआ है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन सा है जिना गार्डन। तो मुझे पता चला और मैं ख़ुद भी जो है शायद बचपन के बाद अब आई हूँ पहली बार यहाँ पर और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सो अब हम ढूंढते हैं कोई अपनी नेक्स्ट प्लेस। सो ये आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास यहाँ की मेम्बरशिप है। सो जिनके पास मेंबरशिप नहीं है वो लोग यहाँ पर अलाउ नहीं है कि वो यहाँ पर बैठ सकें। और इन लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई हैं, सो मैंने यार गाड़ियाँ भी कवर कर दी हैं कि यहाँ पर मेंबरशिप वाले लोग ही आ सकते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते। और एक जगह यहाँ पर ना जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पर जगह जगह जो है ना यार वो है, आपने अगर नमाज़ पढ़नी है तो जगह जगह यहाँ पर आपके लिए जो है ना इन्होंने स्पेस रखी हुई है, मस्जिद बनाई हुई है, एक एरिया प्रॉपर सेटअप किया हुआ है कि जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकें। लाइक अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप जिस भी पॉइंट पे रुकते हो तो वहाँ रुक के आप नमाज़ पढ़ सकते हो। सो गाइस ये है फाउंटेन्स जो कि अभी बंद हैं, ये अभी चल नहीं रही हैं। सो आई डोंट नो कि क्यों नहीं चल रही। सो लेकिन ये फाउंटेन्स अगर चल रही होती ना तो बहुत खूबसूरत व्यू आना था, लेकिन ये स्टिल बहुत खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहिए, अभी फाउंटेन्स जो हैं बंद हैं। शायद मे भी जब गर्मी अब और कितनी पड़ेगी, लेकिन क्या पता आगे ये जाके जो है इसको ऑन कर लें, लेकिन अभी ये बंद है। सो गाइस इस टाइम जो है गार्डन से मैं निकल आई हूँ, जिना गार्डन से मैं बाहर आ चुकी हूँ। सो हिस्टोरिकल इसमें सिर्फ इतना ही था कि ये बहुत ही पुराना अंग्रेज़ों के दौर का पार्क है, और वैसे जो ऐसे लॉरेंस पार्क भी लॉरेंस गार्डन भी कहा जाता है। सो अभी मैं मैक्सिमम जितना भी कवर कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है, लेकिन स्टिल मैं कंप्लीट कवर नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है रश भी हो चुका हुआ है इस टाइम, और दूसरी चीज़ें गर्मी बहुत है, मैं इतनी जल्दी एक ही बार में कवर नहीं कर सकती थी। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगी और तब मैं आप लोगों के लिए और कवर करूँगी। जब यहाँ पर फ्लावर्स की जब एग्जीबिशन होगी तब भी हम इसको विज़िट करेंगे, और उस टाइम पर जब है मैं आप लोगों के साथ इसके काफ़ी दूसरे पार्ट्स जो रह गए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस यहाँ पर इसके साथ जो है व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को मेरे कंटेंट को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो करे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार सी और अच्छी अच्छी कॉन्टेंट और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट व्लॉग्स बनाती रहूँ। तो चलते तो यहाँ पर हम व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।